नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। विगत कई दिनों से राज्य मंत्रिमंडल का विस्तार रुका हुआ है और माना जा रहा था कि अगले माह नागपुर में होने जा रहे शीत सत्र से पहले राज्य कैबिनेट का विस्तार किया जा सकता है, लेकिन अब नवंबर माह के 20 दिन बीत चुके हैं और शीत सत्र के शुरू होने में केवल 30 दिन की अवधि शेष है। ऐसे में अब शीत सत्र से पहले राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार की संभावना काफी कम हो गई है। इसे लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए राज्य के वन मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ने कहा कि यद्यपि राज्य मंत्रिमंडल का अभी पूर्ण विस्तार नहीं हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री व उप मुख्यमंत्री द्वारा व्यापक जनहित में शानदार फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व के साथ समन्वय साधकर सही समय आने पर राज्य मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर फैसला किया जाएगा। कन्याकुमारी से कश्मीर तक निकाली गई भारत जोड़ो यात्रा विगत 14 दिनों से महाराष्ट्र में है और इस समय पश्चिम विदर्भ के बुलढाणा जिला अंतर्गत महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित निमखेड़ नामक गांव में पहुंच चुकी है, जहां से आज सुबह इस यात्रा को आगे बढ़ते हुए मध्य प्रदेश की सीमा में दाखिल होकर बुरहानपुर जिले में प्रवेश करना था, लेकिन ऐन समय पर सांसद राहुल गांधी गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में अपनी पार्टी के प्रत्याशियों का चुनाव प्रचार करने हेतु गुजरात के सूरत व राजकोट के लिए रवाना हो गए। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा को अगले 2 दिन के लिए निमखेड़ में ही रोक दिया गया है। परसों 23 नवम्बर को सांसद राहुल गांधी की गुजरात से एक बार फिर बुलढाणा जिले के निमखेड़ में वापसी होगी, जिसके बाद यह यात्रा अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना होगी। बीते 3 दिनों से अमरावती जिले में तापमान का स्तर अचानक काफी तेजी से घटा है। दिन के समय अधिकतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, वहीं रात के समय न्यूनतम तापमान 10 से 11 डिग्री सेल्सियस के इर्द गिर्द जा पहुंचा है, जिसकी वजह से कड़ाके की ठंड महसूस हो रही है और ठिठुरन बढ़ गई है। जिले में शनिवार को 10.8 व रविवार को 11.3 डिग्री सेल्सियस का न्यूनतम तापमान दर्ज हुआ। ठंड का असर बढ़ने के चलते दिन के समय भी लोग बाग घर से बाहर निकलते समय गर्म कपड़े पहनने पर मजबूर दिखे। इसके अलावा शहरी क्षेत्र में रात 8 बजे के आसपास भीड़भाड़ काफी हद तक कम हो गई, वहीं ग्रामीण क्षेत्र में जगह जगह पर शाम ढलते ही अलाव जलते दिखाई देने लगे हैं। बीते 24 घंटे के दौरान विदर्भ क्षेत्र में यवतमाल जिला सबसे सर्द रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं समूचे राज्य में धुलिया जिला सबसे सर्द रहा, जहां पर न्यूनतम तापमान 60 डिग्री सेल्सियस के स्तर तक लुढ़क आया है। अमरावती शहर के लगातार होते विस्तार को ध्यान में रखते हुए अब जिला सामान्य अस्पताल का मनुष्य बल और वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सेवाएं कम पड़ने लगी हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए जिले की सांसद नवनीत राणा ने केंद्र सरकार सहित राज्य सरकार को समय समय पर पत्र लिखकर अमरावती शहर में 100 बेड की क्षमता वाले क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल को मंजूरी देने के साथ ही जिले के सभी तहसील मुख्यालयों में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर प्रस्ताव दिया था और इस मांग को पूरा करने के लिए वे लगातार प्रयासरत भी थी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य अभियान में अमरावती के लिए 100 बेड की क्षमता वाला क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल मंजूर किया है। संत गाड़गे बाबा अमरावती विद्यापीठ की अधिसभा विद्या परिषद व अभ्यास मंडल प्राधिकरण का चुनाव रविवार को संभाग के 5 जिलों में शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हुआ। शाम 5 बजे तक कुल मतदान 96% होने का अनुमान लगाया गया है। अब कल मंगलवार 22 नवंबर को विद्यापीठ परिसर के वनस्पति शास्त्र व ज्ञान स्त्रोत केंद्र के अभ्यासिका सभागृह में मतगणना होगी, जिसके लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गत रोज सराफा बाजार परिसर स्थित खरैया मार्केट का कुछ हिस्सा अचानक ढहकर गिर गया था, जिसके बाद इस इमारत के ऊपरी हिस्से को जल्द से जल्द तोड़ना पड़ेगा, अन्यथा प्रभात चौक जैसा हादसा पेश आने की आशंका। आज दोपहर मनपा अभियंता सचिन वानरे ने सभी दुकानदारों और मार्केट के मालिक गुड्डू खरैया के सामने कही। इस बारे में सभी पक्षों से चर्चा करते हुए किसी का भी नुकसान नहीं होने देने वाला फैसला करने का आश्वासन पूर्व महापौर विलास सिंगोले द्वारा दिया गया। साथ ही खरैया की तरफ से एडवोकेट ब्रजेश तिवारी ने इस बारे में बिना किसी द्वेष के कार्रवाई होने का भरोसा दिलाने का प्रयास किया। वहीं मार्केट के सभी दुकानदार मनपा द्वारा सील लगाए जाने को लेकर की गई कार्रवाई से नाराज नजर आए, जिनका कहना था कि अगर जर्जर हिस्से को गिराने की कार्रवाई प्रलंबित हुई तो वे आखिर कब तक अपनी दुकानदारी को बंद रखेंगे। ऊपर का जो मजले है वो काफ़ी शिकस्त है, तो उस सिलसिले में महानगर पालिका के अभियंता का भी कहना यही है कि ऊपर के मैन्युअली बुलडोजर लगा के नहीं, मैन्युअली उस पर कार्रवाई होनी उचित है और नीचे जो दुकानदार है वो भी सुरक्षित रहना चाहिए, उनका भी व्यापार चलना चाहिए और जो शिकस्त भाग है उस पर कार्रवाई महानगर पालिका के अभियंता ने कहा कि उस पर कार्रवाई करना जरूरी है, इसलिए वो कार्रवाई होना भी उचित है, क्योंकि अभी अपने गांव में प्रभात टॉकीज के पास में 5 लोगों की मृत्यु हुई, ऐसी घटना अपने गाँव में दोबारा नहीं होना चाहिए, इसकी प्रिकॉशन लेते हुए ये सब यहाँ व्यापारी और महानगर पालिका के लोग इकट्ठा हुए हैं। हम लोगों का एक ही सजेशन है कि तांत्रिक
जो पीछे तांत्रिक गलतियों की वजह से बड़े हादसे हुए हैं, 5 लोगों की जान गई है, ऐसा कोई भी घटना न घटे और किसी भी दुकानदार का कोई रोजी रोटी बंद न हो, ऐसा एक उद्देश्य लेके हम लोग साथ में पूरी तरह से सहकार्य करने को आधी रात को तैयार है और किसी के भी खिलाफ जाके किसी से कोई द्वेष भावना हमारी किसी भी ढंग से नहीं है। महाराष्ट्र के आराध्य देवत कहे जाते छत्रपति शिवाजी महाराज की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी व भाजपा प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा कथित तौर पर अवमानना करने के विरोध में अमरावती शहर में कांग्रेस व शिवसेना ने अभूतपूर्व ढंग से एक साथ आकर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इस आंदोलन के दौरान कांग्रेस एवं सेना कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल कोश्यारी का प्रतीकात्मक पुतला बनाते हुए उनकी धोती में प्रतीकात्मक रूप से आग लगाई। वहीं त्रिवेदी के फोटो पर जूते व चप्पल बरसाए गए। आम्ही या ठिकाणी अमरावती जिल्हा युवक काँग्रेस व अमरावती शहर युवक काँग्रेसच्या वतीने या ठिकाणी आम्ही त्यांचा तीव्र निषेध केला आहे आणि निषेध आम्ही या ठिकाणी असा केला आहे की राज्यपालांचे जे धोतर आहे ते धोतर फाडून आम्ही त्यांचा निषेध केला आहे। आणि आपल्या माध्यमातून मी राज्यपाल महोदय यांना सांगू इच्छितो की राज्यपाल महोदय, आपण वारंवार या ठिकाणी महापुरुषांचा अपमान करत आहे, या महाराष्ट्राची संस्कृतीला आपण विसरले आहे। किसानों की विविध मांगों को लेकर आज शिवसेना की तहसील शाखा द्वारा स्थानीय तहसीलदार कार्यालय पर उग्र प्रदर्शन किया गया। साथ ही तहसीलदार को किसानों की विविध मांगों व समस्याओं के बारे में ज्ञापन भी सौंपा गया। इस आंदोलन के जरिए तहसीलदार को बताया गया कि अमरावती जिले में मूसलाधार बारिश व अतिवृष्टि की वजह से किसानों का काफी नुकसान हुआ है, जिसकी एवज में सरकार द्वारा किसानों को दी गई सहायता काफी अत्यल्प है और कई किसान अब तक सरकारी सहायता से वंचित हैं। अतः अमरावती तहसील में गीला अकाल घोषित करते हुए सभी आपदा प्रभावितों को तत्काल सहायता प्रदान की जाए। इसके साथ ही शिवसेना की महानगर शाखा द्वारा भी किसानों की समस्याओं व अमरावती जिले में गीला अकाल घोषित किए जाने की मांग को लेकर तहसील कार्यालय पर नांगर आक्रोश मोर्चा ले जाया गया और तहसीलदार को अपनी मांगों के बारे में ज्ञापन सौंपा गया। इस मोर्चे में नागर व बैलबंडी लेकर सैकड़ों किसान व शिवसैनिक शामिल हुए थे। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी द्वारा विगत दिनों औरंगाबाद में छत्रपति शिवाजी महाराज के संदर्भ में दिए गए बयान को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना काफी आक्रामक हो गई है और कोश्यारी के बयान का निषेध करने हेतु राज्य में जगह जगह पर धरना प्रदर्शन व आंदोलन किए जा रहे हैं। अकोला में शिवसेना के स्थानीय नेताओं ने फसल बीमा नहीं मिलने को लेकर अपना संताप व्यक्त करने के साथ ही फसल बीमा कार्यालय में तोड़फोड़ की। वहीं किसानों को लेकर किए गए इस आंदोलन के दौरान राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान को लेकर भी जमकर निषेध प्रदर्शन किया गया। अमरावती शहर में विगत कुछ दिनों से लव जिहाद जैसी घटनाओं में काफी इजाफा हो रहा है। इस समय दिल्ली का आफताब श्रद्धा मामला ताजा रहते समय रविवार को बडनेरा थाना क्षेत्र में लव जिहाद जैसा एक मामला प्रकाश में आया। युवती का अपहरण होने के 24 घंटे बाद भी पुलिस द्वारा FIR दर्ज न किए जाने से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काफी आक्रामक हो गए और FIR दर्ज करने के साथ ही अपहरणकर्ता की खोज करने की मांग को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं ने बडनेरा थाने में ही ठिया आंदोलन किया। आज यहां बुलाई गई पत्रकार परिषद में सुरेश ताड़े व नाना घोड़ेस्वार द्वारा बताया गया कि आगामी 25 व 26 नवंबर को स्थानीय यशोदनगर परिसर स्थित भीम टिकड़ी पर 2 दिवसीय राज्य स्तरीय धम्म परिषद का आयोजन किया जा रहा है। विधायक बलवंत वानखड़े के हाथों उद्घाटित होने वाली इस धम्म परिषद में भदंत ज्ञान ज्योति महास्थवीर द्वारा उपस्थित रहकर सभी का प्रमुख रूप से मार्गदर्शन किया जाएगा। यह कार्यक्रम अमरावती जिले की संपूर्ण राज्य होती 25 तारखेला आपल्याला धम्मदेशना देणार आहे। जनजागृति क्रीड़ा व बहुद्देशीय संस्था द्वारा यहां बुलाई गई पत्रवार्ता में बताया गया है कि आगामी 22 दिसंबर से अमरावती में राज्य स्तरीय टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है। 31 दिसंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में कुल 24 टीमें हिस्सा लेंगी, जिसमें जिले की 8 टीमें हैं। वहीं अन्य जिलों से 16 टीमें अमरावती आकर अपने क्रीड़ा कौशल का प्रदर्शन करने वाली है। जन जागृति क्रीड़ा मंडल की ओर से 2022 राज्य स्तरीय उद्घाटन 22 तारीख को होने जा रहा है। इसलिए पत्रकार बंधुओं से मेरी गुजारिश है, विनती है कि आप लोग सब मदद करेंगे और ये बच्चों की उमंग बढ़ाएंगे। ये अपने अमरावती की सहन की बात है, आप लोगों ने इसको गौर करेंगे, ज़्यादा ख्याल करें। 2022 को उद्घाटन है और फाइनल इसका 31 दिसंबर को है। अभी इस बार 22 दिसंबर को इसका उद्घाटन तय पाया है, जो कि 8 दिन तक के ये टूर्नामेंट चलेगा। इसमें महाराष्ट्र के रायगढ़, नासिक, औरंगाबाद, पुणे, महाराष्ट्र की टीमें रहेंगी मुंबई की, इसके अलावा मध्य प्रदेश से कुछ टीमें रहेंगी, गुजरात से कुछ टीमें रहेंगी,
इस तरीके का राज्य स्तरीय टूर्नामेंट यहाँ पे आयोजित किया जाएगा। पिछड़ा वर्गीय कृषि कर्मचारी व अधिकारी वर्ग द्वारा पदोन्नति चयन सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाकर आज एक दिवसीय धरना आंदोलन किया गया। इस समय वरिष्ठ लिपिक से सहायक अधीक्षक पद की पदोन्नति में अनियमितता होने का आरोप लगाया गया है। त्यांनी दिलेल्या पत्रावर आपण जे मान करतो आहे त्यांनी जे आश्वासन दिलेलं आहे आतापर्यंत सहा महिन्यापासून आश्वासनच आहेत आपल्याला लेखित आश्वासन आहे अद्याप न झाल्यामुळे आपण हा धरणे आंदोलन इथं आयोजित करण्यात आलेला होता। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाली मुंबई की युवती की दिल्ली में ले जाकर हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े करने वाले आफताब वो इस तरह के कृत्य करने वालों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग को लेकर हेल्पिंग हैंड नामक एनजीओ संगठन के पदाधिकारियों ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नाम जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपा। खेत के लिए तार कंपाउंड का निर्माण करने, तार की खरीदी करने और फसल का बीमा निकालने के बाद दोनों योजनाओं का अब तक लाभ नहीं मिलने से परेशान नांदगांव खंडेश्वर तहसील के बहलोलपुर निवासी विनोद पवार नामक किसान ने जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंप कर न्याय मिलने की उम्मीद जताई। महावितरण कंपनी द्वारा प्रतिमाह तीसरे बुधवार को बिजली ग्राहक शिकायत निवारण दिवस शुरू करने की मांग को लेकर शिव स्वराज्य युवा संगठन द्वारा जिलाधीश पवनीत कौर को सौंपे गए ज्ञापन के जरिए राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को निवेदन भेजा गया। कोरोना से पूर्व महाराष्ट्र परिवहन महामंडल द्वारा वर्ष 2019 में सीधी सेवा भर्ती के तहत अमरावती विभाग में नियुक्ति होने के बाद चालक व वाहक का सेवा पूर्व प्रशिक्षण होने के बावजूद अब तक सेवा में नहीं लिए जाने से परेशान उम्मीदवारों ने जिलाधीश पवनीत कौर को ज्ञापन सौंपकर न्याय की उम्मीद लगाई है। कांची काम कोठी से निकलकर महाराष्ट्र होते हुए जयपुर जाने हेतु निकली भगवान परशुराम कुंड आमंत्रण यात्रा का विगत शनिवार 19 नवंबर को अमरावती आगमन हुआ। नागपुर से चलकर अमरावती होते हुए अकोला की ओर जाने वाली इस यात्रा और यात्रा में शामिल अमृत भारत रथ का स्थानीय ब्राह्मण समाज बंधुओं ने शहर में जल्लोषपूर्ण स्वागत किया। साथ ही पुराना MIDC परिसर स्थित पुरोहित परिवार के निवास स्थान पर इस यात्रा की शानदार अगवानी करने के साथ ही रथ में विराजित भगवान परशुराम की प्रतिमा का पूजन किया गया, जिसके उपरांत यह रथ यात्रा अपने अगले गंतव्य के लिए रवाना हुई। बचपन से ही घर की परिस्थिति काफी हलाकान और बेहद विपरीत हालात और कमजोर आर्थिक परिस्थिति से जूझते हुए रेखा ध्रुवे नामक छात्रा ने नेट परीक्षा में राष्ट्रीय स्तर पर 87% अंक प्राप्त कर शानदार सफलता हासिल की। आदिवासी समाज से वास्ता रखने वाली इस छात्रा का शिक्षा का यह सफर काफी प्रेरणादायी साबित हो रहा है। अब जिलाधीश पद की परीक्षा की तैयारी कर रही रेखा ध्रुवे परिवार को आर्थिक आधार देने के लिए एक निजी महाविद्यालय में नौकरी भी कर रही है। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष निमित्त देशवासियों को राष्ट्रीय एकात्मता व देशभक्ति का संदेश देने के लिए विदर्भ के 3 बाइकर्स 5वीं बार लंबी यात्रा पर रविवार को रवाना हुए। ये तीनों बाइकर्स आगामी 20 दिनों में 5400 किलोमीटर का सफर तय करने वाले हैं, जिनमें अमरावती के सतीश मसराम का भी समावेश है। जिले में संजय गांधी निराधार योजना व श्रावण बाल योजना के लाभार्थियों को विगत कुछ समय से काफी कम पैसे मिल रहे थे, यह शिकायत मिलने के बाद सांसद अनिल बोंडे द्वारा पूछताछ की गई, जिसके पश्चात प्रशासन द्वारा स्पष्ट किया गया कि पिछले 6 माह से केंद्र सरकार की प्रति माह 200 रुपए निधि संबंधित लाभार्थियों के खाते में DBT प्रणाली के जरिए जमा की जाएगी। अपने क्षेत्र के नेता पदाधिकारी व चुनाव में चमकने को आतुर लोगों के जन्मदिन तथा अन्य कार्यक्रमों के फ्लैग सार्वजनिक स्थान पर लगाना अब जेब पर भारी पड़ेगा। मनपा ने चौक चौराहों सहित किसी भी सार्वजनिक स्थान पर फ्लैग्स लगाना प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही महानगर पालिका ने पोस्टर फ्लैग्स के लिए कुछ स्थान निर्धारित किए हैं, जहाँ पर नियमानुसार शुल्क अदा करने के बाद फ्लैग्स लगाए जा सकेंगे। वडाली रोड पर कांग्रेस नगर के आगे पंचवटी के सामने करोड़ों रुपए खर्च कर बनाए गए पर्यटन स्थल ऑक्सीजन पार्क इन दिनों केवल बाहर से देखने में ही सुंदर दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहां पर लाखों रुपए खर्च कर जंगल महकमे द्वारा लगाए गए छोटे बच्चों के खेल खिलौने झूले जूते मचान सब टूट फूट गए हैं, जबकि अभी भी बड़ी संख्या में शनिवार रविवार व छुट्टी के दिन लोग बाग इस पार्क में बाकायदा शुल्क अदा कर आते हैं, लेकिन अच्छी खासी आवक होने के बावजूद इस पार्क में रखरखाव ठीक ढंग से नहीं किया जा रहा। हाल ही में अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय के पुलिस उपायुक्त MM मकानदार का खंडाला स्थित पुलिस प्रशिक्षण केंद्र में तबादला कर दिया गया और उनके स्थान पर पुलिस उपायुक्त के रूप में सागर पाटिल की नियुक्ति का आदेश जारी हुआ, जिसके चलते पुलिस आयुक्तालय में शहर पुलिस आयुक्त आरती सिंह की अध्यक्षता के तहत आयोजित कार्यक्रम में DCP MM मकानदार को भावपूर्ण विदाई दी गई। वहीं नवनियुक्त DCP सागर पाटिल को उनका पदभार सौंपते हुए उनका शहर पुलिस आयुक्तालय में स्वागत किया गया। जिला अस्पताल में आने वाले लावारिस मरीजों को लेकर जिला अस्पताल प्रशासन अब काफी गंभीर दिखाई दे रहा है। अस्पताल प्रशासन ने शहर पुलिस आयुक्त तो व ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय को 5 दिन पूर्व पत्र भेजकर अस्पताल की पुलिस चौकी में आए दिन पुलिस जवानों के अनुपस्थित रहने की जानकारी दी और अक्टूबर माह में ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों के ड्यूटी चार्ट की मांग भी की। कोविड काल के 2 वर्ष बाद शुरू हुई जिला स्तरीय शालेय जलतरण स्पर्धा में आर्यन मंथन तन्वी और दीप्ति सबसे तेज जलतरण खिलाड़ी साबित हुए, उनके साथ ही अन्य खिलाड़ियों ने सफलता प्राप्त। ये सभी खिलाड़ी विभागीय जलतरण स्पर्धा के लिए पात्र साबित हुए।
अकोला जिले के उरल पुलिस थाना अंतर्गत घर में अकेले रहते समय अपनी ही 15 वर्षीय बेटी के साथ जोर जबरदस्ती करते हुए उसका शारीरिक शोषण करने और यह बात किसी को भी बताने पर मां और भाई को जान से मार डालने की धमकी देने वाले 45 वर्षीय नराधमी पिता को अदालत ने 5 मामलों में दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास के साथ ही 5,30,000 रुपए के आर्थिक जुर्माने की सजा सुनाई। खास बात यह रही कि चार्जशीट दायर होने के बाद महज 13 माह के भीतर अदालत ने इस मामले में अपना फैसला सुना दिया। अचलपुर तहसील में आने वाले पथरोट गांव के प्रगतिशील किसान व व्यवसायी लक्ष्मी नारायण चांडक के सॉफ्टवेयर बेटे चिराग चांडक की बंगलुरु में कार दुर्घटना में मृत्यु होने की घटना रविवार 20 नवंबर की सुबह 11 बजे घटित हुई। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश के वन विभाग द्वारा की गई संयुक्त कार्रवाई में लाखों रुपए का अवैध सागवान परतवाड़ा वन परिक्षेत्र अंतर्गत वडूरा के पास शनिवार की रात पकड़ा गया। सागवान की तस्करी करने वाले वाहन का पीछा करते हुए मध्य प्रदेश वन विभाग का कर्मचारी दुपहिया हादसे का शिकार होकर गंभीर रूप से घायल भी हुआ, जिस पर परतवाड़ा में निजी अस्पताल में इलाज जारी है। मोर्शी में गौवंशीय जानवरों की चमड़ी को बिक्री हेतु ढुलाई करते हुए ले जाने वाले मिनी मालवाहक वाहन के रास्ते में अचानक बंद पड़ जाने और इससे उठने वाली दुर्गंध की वजह से पूरा मामला समझ में आने के चलते गुस्साए लोगों ने पहले तो वाहन चालक की जमकर पिटाई की और फिर चमड़ा लदे वाहन के केबिन में आग लगा दी। मामले की जानकारी मिलते ही मोर्शी पुलिस ने तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया और आग को बुझाने के साथ ही वाहन चालक को अपनी हिरासत में लिया। यह घटना 19 नवंबर की रात 10:30 बजे के आसपास मोर्शी अमरावती मार्ग पर स्थित साबू मंगल कार्यालय के पास घटित हुई। रास्ते से पैदल जा रहे दो बुजुर्ग व्यक्तियों को गत रोज सिटी कोतवाली पुलिस थाना अंतर्गत शहर में दो अलग अलग स्थानों पर अज्ञात आरोपी ने खुद को नकली अधिकारी बताते हुए जांच पड़ताल के नाम पर रुकवाया और फिर उनके पास से नगद रकम सहित सोने की अंगूठी लूट ली। ये दोनों घटनाएं बस स्टैंड से रेलवे स्टेशन परिसर के बीच घटित हुई है। दोनों घटनाओं में लूट का शिकार हुए दोनों वृद्धों ने अज्ञात आरोपी को लेकर जो वर्णन पुलिस के सामने किया उससे पुलिस ने अनुमान लगाया है कि संभवतः दोनों ही घटनाएं एक ही आरोपी द्वारा अंजाम दी गई है। पुलिस दोनों घटना स्थलों के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज को खंगाल रही है। राजापेट पुलिस थाना अंतर्गत मायानगर स्थित अडवानी लेआउट में रहने वाले गणेश गादे नामक बेटे ने अपने 75 वर्षीय वृद्ध पिता तुलसीराम गादे को मारपीट व गाली गलौज करते हुए घर से बाहर निकाल दिया। पश्चात पूरी रात कड़ाके की ठंड में बिताने के बाद तुलसीराम गादे ने राजापेट पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने वरिष्ठ नागरिक अधिनियम 2007 की धारा 24 के तहत गणेश गादे के खिलाफ अपराध दर्ज किया है। टाकरखेड़ा शंभू गांव के खेत में चल रहे बुआई के काम को रोकने के लिए वामन हम्बर्डे नामक 65 वर्षीय व्यक्ति ने बुआई कार्य हेतु लाए गए ट्रैक्टर के सामने खड़े होकर ट्रैक्टर के नीचे दबकर आत्महत्या कर लेने की धमकी दी। इस मामले को लेकर योगेश देशमुख द्वारा दी गई शिकायत के अनुसार वलगांव पुलिस ने वामन हम्बर्डे के खिलाफ मामला दर्ज किया है। गाड़गेनगर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पंचवटी चौक पर फर्जी तरीके से लवाद न्यायालय स्थापित करते हुए इसके जरिए मामले सुलझाने के नाम पर लोगों से अच्छी खासी रकम ऐंठने वाले सिद्धार्थ रामटेके नामक व्यक्ति सहित एक महिला के खिलाफ गाड़गेनगर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। अपनी सास के साथ अस्पताल जा रही विवाहिता को रास्ते में अड़ा कर उसके साथ छेड़खानी करने वाले युवक की उस महिला ने अपनी सास के साथ मिलकर पिटाई की, साथ ही इस युवक को पुलिस के हवाले भी किया। यह घटना यशोदानगर चौक परिसर में शनिवार की शाम घटित हुई। नामजद किए गए युवक का नाम अरविंद सुखदेवराव खटाले बताया गया है। मुर्तियापुर के हिरकपुर गांव के पास आसरा मार्ग पर एक तेज रफ्तार मालवाहक वाहन ने रास्ते से गुजर रहे दुपहिया वाहन को पीछे से टक्कर मारी। इस हादसे में ब्रह्मी गांव स्थित महात्मा ज्योतिबा फुले विद्यालय के अध्यक्ष जाकिर हुसैन पटेल उर्फ नवाब भाई की घटनास्थल पर मौत हो गई। यह हादसा 20 नवंबर की सुबह 9:30 बजे के आसपास घटित हुआ। वर्धा के अल्लीपुर पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले एक गांव में अल्पवयस्क लड़की के साथ दुष्कर्म करने के साथ ही यह बात किसी को भी बताने पर पेट्रोल डालकर जिंदा जला देने की धमकी दिए जाने का मामला उजागर हुआ, जिसके बाद अल्लीपुर पुलिस ने राहुल चंदू बालवंशी नामक आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज करते हुए उसकी तलाश करनी शुरू कर दी है। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।